नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल कोशिश एक आसम में। ना जिंदगी में हुई मजबूर, अपनी मेहनत से किया अपने दुखों को दूर। हम सलाम करते हैं ऐसे जज्बे रीता दे, जो कि हैं 42 साल की उम्र में आज भी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी काट रही हैं। उन्होंने ना भीख का रास्ता अपनाया, ना अपना आत्मसम्मान किसी के आगे झुकाया, और ज़िंदगी में अपना पर्चा अपनी मेहनत के बल पे लहराया। तो हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं और आज हम आपको उनकी कहानी सुनाएंगे उन्हीं की ज़ुबानी। अगर हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगे तो हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें निरंतर ऐसे कार्य करने के लिए सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी ऐसे लोगों को हंसाएं, मुस्कुराएं और ज़िंदगी जीने का नया तरीका सिखाएं। धन्यवाद। जज्बे से आगे बढ़ रही हैं। इन्होंने भीख मांगने का रास्ता नहीं चुना बल्कि मेहनत के रास्ते पर चलना सीखा है। इनसे हमारे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हम इनको अपने हाथ जोड़ के इनको नमन करते हैं और हमेशा ये खुश रहें, और इनसे हम यही आशीर्वाद चाहते हैं। मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ। बापू की स्टॉल जो है इनके नीचे आप इनसे आके मिल सकते हैं और इनकी सेवा कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आपको नाम तो बोले तो एक बार। गीता दे। गीता दे इनका नाम है। ये गीता दे। गीता दे ভালো করে থাকবে, ঠিক আছে? ঠান্ডা লাগবে না তোমার। হ্যাঁ, অনেকজন এখন আসবে ভিডিওটা দেখে। আপনাকে আমি সবাইকে সবকো মে এই রিকোয়েস্ট কর রা হুম কি ইনসে আইয়ে, ইনসে মিলিয়ে, আর ইয়ে হামারে সমাজ কে লিয়ে জিতনা বড়া উদাহরণ পেশ কর রহি হ্যায়, ইনকি হিম্মত কো বাড়ায়ে আর ইনসে কুছ না কুছ সামান জরুর লেকে যায়। আপনি কিছু বলতে চান? না, তোমরা সাহায্য করছো, এতে আমি অনেক খুশি। সবাইকে একটু ভালোবাসা দিয়ে দাও। সবাই ভালো থাকুক, বেঁচে থাকুক না আপনারা। আমার খুব ভালো লাগবে আপনারা সাহায্য করছেন। आप सबसे एक निवेदन है कि आप जरूर आए यहाँ और इनकी जितनी सेवा हो सके और इनका उत्साह उतना बढ़ा सके। ये समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। नमस्कार दोस्तों। আমি আইফোনই খরচা কেন কি তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও? उनका कहने का ये मतलब है कि ये इनके बच्चे हैं घर पे जो इनको काम करने के लिए मना करते हैं, फिर भी इनका मन यही चाहता है कि ये जितने साल जिए ये अपने दम पर जिए और दुनिया के लिए मिसाल बने। बेटा मेरे Thank you.